केमिस्ट्री के अध्याय नंबर दो परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट थ्री को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? पार्ट थ्री को। पार्ट थ्री के अंदर अपन कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो बता देता हूँ। अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। 2.1.2 टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इससे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात के पहले हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के विषय में जाना था। इलेक्ट्रॉन की खोज के विषय में हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। इलेक्ट्रॉन एक अवपरमाणविक कण है, ठीक है। परमाणु तीन अलग अलग अवपरमाणविक कणों से मिलकर बनता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटोन और दूसरा न्यूट्रॉन, है ना। तो अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के विषय में हमने बहुत जाना। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी कैथोड किरणों के माध्यम से। कैथोड किरण से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की खोज को अपन ने समझा। जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें जो होती हैं वो किससे बनती, जो कैथोड किरणें होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, कणों से मिलकर बनती है। किससे? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है। और वो सूक्ष्म जो कण होते हैं वही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बात का पुख्ता सबूत किसने दिया था? जे.जे. थॉमसन जी ने। विलियम, है ना, फेराडे, विलियम फेराडे स्टार्टिंग में थे, फिर उसके बाद आगे होता रहा। मैक्सवेल फेराडे थे, है ना। फेराडे जो थे, फेराडे ने सबसे पहले ये मुहिम को स्टार्ट करा था इलेक्ट्रॉन की खोज के, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े थे। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी मुख्य तौर पर यह बताती है कि साहब आप इलेक्ट्रॉन की खोज तो आपने कर दी, अब आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो आज अपन इसको शुरुआत करने वाले हैं। देखिए आपको एक चीज समझा रहा हूं, कैथोड किरणें। मैं आपको बता रहा था कैथोड किरणें, कैथोड किरणें जो होती हैं उनमें अपन ने दो बातें जानी थी। सूक्ष्म कण, पहली बात जानी थी सूक्ष्म कण की, कैथोड किरणें जो होती हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है, और वो जो सूक्ष्म कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर हमने दूसरी बात ये जानी थी, अच्छा ये सूक्ष्म कण होते हैं ये कैसे पता चला था हमारे को कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनती है। मैंने आपको बोला था साइंस के अंदर थोड़े शब्दों को ध्यान में रखना, कैथोड किरणें जो होती है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है। तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है ये कैसे मालूम पड़ा हमारे को? तो इसके लिए जो जे.जे. थॉमसन थे उन्होंने एक प्रयोग किया था। इसके लिए जे.जे. थॉमसन ने एक प्रयोग किया था, और वो प्रयोग में थोड़ा आपको याद दिलाता हूँ। उन्होंने क्या करा था, जो कैथोड किरणें होती है उनके सामने एक हल्के पहिए को रख दिया था। किसको रख दिया था? एक हल्के पहिए को रख दिया था, और जब कैथोड किरणें उस हल्के पहिए पे से गुजरी तो वो जो हल्का पहिया था वो क्या होने लग गया, घूमने लग गया, है ना। वो हल्का पहिया क्या हो गया, घूमने लग गया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जे.जे. थॉमसन ने? जे.जे. थॉमसन ने इससे निष्कर्ष निकाला कि जो कैथोड किरणें होती हैं उनमें कोई ना कोई भार कार्यरत है, यानी कैथोड किरणों में कुछ जिससे भी मिलकर बनता है, कणों से मिलकर बनता हो, तरंग से मिलकर बनता हो, फोटोन से मिलकर बनता हो, किसी से भी मिलकर बनता हो, लेकिन उनमें किसी न किसी द्रव्यमान है। और चाहे क्या हो, कण हो, फोटोन हो, तरंग हो, इन सब में से सिर्फ द्रव्यमान जिसका पर्याप्त होता है, यानी जिसका द्रव्यमान होता है वो कौन होता है, कण होता है। तो उन्होंने जे.जे. थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि जो कैथोड किरणें होती हैं, जो कैथोड किरणें होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, कणों से मिलकर बनी होती हैं। और ये जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उन सूक्ष्म कणों को जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो था, तो उस कण, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो भारपन था, जिसने किसको धक्का मारा, वो जो थोड़ा सा भारीपन था कणों में, क्योंकि भार तो होगा, उसका द्रव्यमान तो होगा ही ना। सूक्ष्म कण है, चाहे सूक्ष्म कण हो या वृद्ध कण हो या दीर्घ कण हो या लघु कण हो, कोई सा भी कण हो, यहाँ पर सूक्ष्म जो कण है वो सूक्ष्म कण है, तो उसका कुछ ना कुछ तो भार होगा ना। तो वो भार जब उस
हल्के पहिए पे लगा तो वो क्या हो गया, रोटेट होने लग गया। तो अब जिज्ञासा ये बढ़ी कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है, लेकिन कोई मुझे ये तो बताए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। जेटी थॉमसन से सवाल पूछा गया कि अच्छा हम मान रहे हैं आपकी बात कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? क्या हर एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, या फिर अलग अलग पदार्थों के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग अलग होता है? मान लीजिए एक पदार्थ है मेरे पास एप्पल। एप्पल परमाणु से मिलकर बनता है, छोटे छोटे परमाणु, और परमाणु किससे मिलकर बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से। यानी परमाणु का अब परमाणविक कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी परमाणु से छोटा भी कुछ है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे कह रहा हूं एप्पल का जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो संतरे के इलेक्ट्रॉन से तुलना रखता है? मैं बोल रहा हूं एप्पल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो संतरे का इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होता है या उससे अलग अलग होता है? ये सवाल किसने पूछा? जेके थॉमसन से पूछा गया। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया एप्पल और संतरे का। जो सेब होता है, सेब का इलेक्ट्रॉन अलग होगा और संतरे का इलेक्ट्रॉन अलग होगा, या फिर सेब का इलेक्ट्रॉन समान होगा और संतरे का इलेक्ट्रॉन समान होगा, दोनों का समान होगा या फिर भिन्न भिन्न होगा, ये बताओ हमारे को। तो ये प्रश्न पूछा गया कैथोड किरणों के संबंध में जे.जे. थॉमसन से कि भाई हमारे को बताइए, आपने बताया कि कैथोड किरणें जो होती है वो सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बनती है, कणों का भार होता है, कणों का भार होता है, और कणों को हमने किस नाम से बोला? इलेक्ट्रॉन से। तो हमें बताइए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, जिसे हम ME से डिनोट करते हैं। M का मतलब होता है मास और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास, ME का मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन का मास, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो पहली बात जे.जे. थॉमसन के सामने आई कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करके बताइए। पहली और मुख्य बात ये थी आज के टॉपिक की कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फाइंड करना था। जे.जे. थॉमसन के पास समस्या आई, प्रश्न आया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करके बताइए, पहला चीज। फिर दूसरी चीज यहाँ पर ब्लू ब्लू में मैंने टाइप कर रखी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमने ये भी जाना था कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो कुछ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनती है, और वो उन कणों पर कुछ ना कुछ आवेश भी पाया जाता है। आवेश का मतलब आप भली भांति रूप से समझते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। आपने बोला आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और वो आवेश भी बता दिया आपने, कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। यहाँ पर आप ऋण आवेश लिखेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती होगी। तो कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है। इसकी जांच कैसे हुई, इसका प्रूफ क्या था कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही होता है, इसका भी हमने क्या देखा था? अच्छा सा प्रयोग समझा था। वो प्रयोग क्या था, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। हमने क्या देखा था कि जब हमने कैथोड किरणों को, जो कैथोड किरणें थी, उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा था। अर्थात मान लीजिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, तब आपके थोड़ा क्लियर हो पाएगा। देखिए जैसे ये कैथोड किरणें थी, ये था है कैथोड किरणें, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया, ये प्लस का था, और यहां हमने क्या लगाया, एक और इलेक्ट्रोड लगाया, वो था माइनस का। जैसे ही हमने इसको सक्रिय किया, जैसे ही हमने इन दोनों इलेक्ट्रोडों को सक्रिय किया, तो जो अपना ये जो कैथोड किरणें थी वो किसकी तरफ बढ़ने लग गई, किसकी तरफ बढ़ने लग गई? प्लस की ओर बढ़ने लग गई। किसकी ओर बढ़ने लग गई? प्लस की ओर बढ़ने लग गई। प्लस की ओर बढ़ने का एक ही कारण था कि ये जो कैथोड किरणें हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिन्हें हम सूक्ष्म कण यानी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस पर जो आवेश है वो क्या है? ऋण आवेश है। क्यों साहब ऋण आवेश क्यों है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे थे, जब हमने इस पर क्या आरोपित किया? विद्युत क्षेत्र आरोपित करा। क्या आरोपित करा? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र जैसे इस तरफ में आरोपित हो रहा है, तो इस तरफ में क्या आता है? इस तरफ में क्या आता है साहब? इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। इधर इधर तो V यानी विद्युत धारा, सॉरी V नहीं, I,
यहाँ विद्युत धारा आती है, आई यहाँ से आता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे इसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं अच्छी तरीके से तो समझेंगे, ये देखिए यहां पर ये कैथोड किरण थी, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड था, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोड मान लीजिए, यहां पर माइनस इलेक्ट्रोड था, ठीक है। तो जो विद्युत क्षेत्र जैसे उत्पन्न करा तो इलेक्ट्रॉन यहां से गति करके यहां जाने लग गए, और यहाँ के ये तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स थे, विद्युत विद्युत धारा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो तो कहाँ थे, ये वाले थे, ये जो अभी अभी मैंने बनाया, और यहाँ के कैथोड रे के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ये रहे। अब अगर ये पॉजिटिव होते, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर प्लस होता, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता, प्लस होता, तो ये कहाँ जाते, ये इधर जाते माइनस के पास, लेकिन इस पर कौन सा, ये कहाँ गए, ऊपर की तरफ गए। इसका मतलब ये समझा गया कि ये इन पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, यानी ऋण आवेश होता है। तो जेडी थॉमसन से सवाल दूसरा पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बताइए, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बताइए तो हमारे को कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है। दो सवाल पूछे गए मेनली जेजे थॉमसन से, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये बताइए। वैसे जेजे थॉमसन इन दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जेजे थॉमसन इन दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सेपरेटली कितना होता है, कि जैसे कोई जैसे कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणों में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो बताइए, तो ये सेपरेटली नहीं बता पाए पहली बात। फिर ये भी नहीं बता पाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है, ये भी ये नहीं बता पाए थे। लेकिन इन्होंने कुछ बताया, क्योंकि इनसे सवाल पूछा गया था, कुछ तो बताना है ना, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है साहब, कि इतने बड़े वैज्ञानिक है, इतनी बड़ी खोज करी, कैथोड किरणों की खोज करी, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, लेकिन फिर जब हमने आगे पूछा तो ये थोड़ा नहीं बता पाए। लेकिन इन्होंने कुछ संबंध दिया, वो संबंध था ई बटा एम का। ई बटा एम का मतलब क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान, जिसका अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा का साइन। तो आवेश बट्टा द्रव्यमान का अनुपात इन्होंने दिया, कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर, उसका अगर भविष्य में ढूंढा गया, आवेश का मान अगर भविष्य में ढूंढा गया कुछ होगा तो ये मान लेते E है, और अगर भविष्य में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी ढूंढा गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी ढूंढा गया जो मान लेते M होगा, तो इनका जो अनुपात था वो इन्होंने फाइंड करा था, वो इन्होंने क्या करा था, फाइंड करा था। और ये जो अनुपात था इन्होंने किसके किस प्रयोग के आधार पर बताया, क्या प्रूफ था, वो अपन समझेंगे, ठीक है, कि वो कौन सा प्रयोग था जिसके आधार पर जेजे थॉमसन ने आवेश द्रव्यमान अनुपात का आवेश अनुपात द्रव्यमान इसका जो मान था वो दिया, ठीक है। ये अपन प्रयोग समझने वाले हैं, तो क्या समझेंगे अपन, क्या समझने वाले हैं, प्रयोग समझने वाले हैं। और वो प्रयोग क्यों समझ रहे हैं ये भी समझ लीजिए, ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जो जेजे थॉमसन थे वो सेपरेटली यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका द्रव्यमान अलग अलग नहीं बता पाए, लेकिन इन्होंने E बटा M यानी E अनुपात M अर्थात आवेश अनुपात द्रव्यमान का क्या बता दिया मान बता दिया। तो उसी प्रयोग को अपन समझेंगे कि किस आधार पर यानी क्या प्रूफ दिया उन्होंने उस समय के वैज्ञानिकों को, उस समय के वैज्ञानिकों को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था ना प्रूफ के लिए, तो उन्होंने क्या प्रूफ दिया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसको समझेंगे अपन। तो एक्सपेरिमेंट को बड़े ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना, आराम से समझ में आएगा अगर ध्यान से समझोगे, अगर चीजों को ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। चलो देखिए वही बात है जो अपन ने पहले एक्सपेरिमेंट करे उसी की तरह है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, माइनर सी चेंज है। क्या लिया, वही विसर्ग नलिका ली, विसर्ग नलिका है ना, या निर्वात नलिका ली,
ये लीजिए निर्वात नलिका ली, और इस निर्वात नलिका जो थी ना इसको आगे इसके ऐसा कुछ जोड़ दिया, जो टोपी होती है बर्थडे की टोपी होती है ना उसकी तरह ये आगे जोड़ दिया, और उसके ये जो टोपी थी आगे की जो टोपी थी, जैसे अपन टोपी कह सकते हैं या तो, या फिर हम क्या कह सकते हैं वो जो टीवी होती है टीवी की तरह इसको आगे कर दिया है ना, और इस तरफ में किस तरफ में, इस तरफ में क्या लगा दिया, ये जो पूरा है प्रतिदीप्त जो लेप होता है वो लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया ऐसे लगा दिया साहब, देखिए ये लगा दिया ऐसे, ये क्या है, ये क्या लगा दिया प्रतिदीप्ति लेप लगा दिया, यानी वो जो सरफेस है जिंक सल्फाइड का सरफेस यहाँ लगा दिया, ठीक है। और फिर इस तरफ में ये लेफ्ट हैंड साइड पर इन्होंने इलेक्ट्रोड रखा, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा था, कैथोड इलेक्ट्रोड, क्या रखा कैथोड इलेक्ट्रोड, ये अपन ने रखा यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर इसी के थोड़ा आगे इन्होंने क्या रखा एनोड इलेक्ट्रोड, क्या रखा एनोड इलेक्ट्रोड, दोनों धातुओं की चकतियां हैं दोनों को रख दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया किससे विद्युत स्रोत से, इन दोनों को किससे जोड़ दिया विद्युत स्रोत से। अभी तक समझ में आ रहा है आपको, हमने क्या लिया एक क्या ली कैथोड नलिका ली है ना, एक कैथोड नलिका ली, कैथोड नलिका के आगे हमने इस तरीके का एक शेप बनाया, और इस तरीके के शेप के आगे वाले हिस्से पर क्या लगा दिया लेप लगा दिया, किसका जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फेट का लेप लगा दिया, ठीक है प्रतिदीप्ति लेप लगा दिया, ताकि हमारे को पता चल सके ये क्यों लगाया हमने, ताकि हमारे को पता चल सके कि कैथोड किरणें सामने की तरफ जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही है ये पता चले, ठीक है ना, इसलिए लगाया था, क्योंकि अपन ने जाना था कि कैथोड किरणें जब किसी प्रतिदीप्ति लेप से टकराती हैं तो वो चमक पैदा करती हैं, तो वो चमक पैदा करती हैं, इसी कारण से हम प्रतिदीप्ति लेप लगाते हैं। चलिए ठीक है, अब हमने इसको किससे जोड़ दिया विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, ये एनोड है, सॉरी ये कैथोड है और ये एनोड है, ये क्या है कैथोड है ये एनोड है, यहाँ देखिए अब ऋणात्मक है, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरे को क्या कहते हैं कैथोड, और धनात्मक सिरे को कहते हैं एनोड, तो ये अपन ने जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने इसको सक्रिय किया यानी इसको ऑन करा, किसको बैटरी को ऑन करा, तो क्या हुआ कैथोड किरणें एनोड, कैथोड जो किरणें हैं वो कैथोड सिरे से एनोड की तरफ ऐसे गति करने लगी, दिख रहा है आपको कैसे गति कर रही है, कहां से कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ क्या करने लगी गति करने लगी, बिल्कुल सीधे जाकर कहां लगी बी पॉइंट पे जाके रुक गई, ठीक है। अभी अपन ने कुछ नहीं करा, एक कैथोड नलिका ली, कैथोड नलिका के आगे की मैं प्रतिदीप्ति लेप लगाया है ना, फिर दो धातुएं इलेक्ट्रोड लगाई, धातु की इलेक्ट्रोड्स लगाई, फिर इलेक्ट्रोड एक पे कैथोड नाम दिया एक को एनोड नाम दिया, और इनको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, और जैसे ही विद्युत स्रोत को ऑन करा वैसे ही कैथोड किरणें बिल्कुल सीधे, कैसे बिल्कुल सीधे गति करी, कैसे करी गति बिल्कुल सीधे गति करी, ठीक है, जो कि आपने अभी देखा अपनी आंखों से, ठीक है। अब जेजे थॉमसन ने ये बिल्कुल सिंपल करा, पहली बात पहला जो उन्होंने स्टेप था वो ये था, अब दूसरा जो स्टेप था, दूसरा जो स्टेप करा उन्होंने क्या करा ऊपर और नीचे, ध्यान से समझना, ये जो कैथोड किरण है इसको यहीं रुका मैंने है ना, यहीं रोक दिया अभी मैंने, ठीक है, इसलिए रोक दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ये तो मैं चाहता तो इसको मिटाकर वापिस ला सकता था, उसमें थोड़ा मजा नहीं आता। यहाँ पर मान लीजिए ये जो कैथोड किरण अभी सक्रिय है, ये सक्रिय है, क्या है विद्युत स्रोत सक्रिय है, और अभी कैथोड किरण निकल रही है, लेकिन अभी मान के चलिए कैथोड किरण रास्ते में है, और हमने दो इलेक्ट्रोड और लगा दिए, हमने क्या करा दो इलेक्ट्रोड्स और लगा दिए, एक तो ऊपर या इस तरफ में लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, चलिए लगा देते हैं, ये लीजिए आया समझ में, एक तो ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, और जैसे ही यहां तो सक्रिय है, यहां से तो कैथोड किरण निकल रही है फटाफट फटाफट, और जैसे ही हमने ये वाला ये जो है इनको सक्रिय किया, इन दोनों इलेक्ट्रोडो को सक्रिय किया, तो हमने देखा कि जो कैथोड किरण है वो सीधे ना जाकर, जो कैथोड किरण है वो सीधे ना जाकर कहां मुड़ गई, इस तरफ में मुड़ गई, देखो कहां मुड़ गई इस तरफ में मुड़ गई, देखो ऊपर की तरफ विचलित हो गई है, कहां हो गई विचलित हो गई, अभी सीधी जा रही थी और अभी डिस्ट्रैक्ट हो गई विचलित हो गई, कहां पर और विचलित होकर कहां चली गई ऊपर की तरफ चली गई,
और अभी हमने इन दोनों को सक्रिय किया, यानी इनको दोनों को ऑन करा, इसको और इसको दोनों को ऑन करा, बैटरी स्रोत लगाकर इन दोनों को ऑन करा, तो हमने ऑन करने का मतलब क्या हुआ? ऑन तो करा हमने, ऑन करने का सीधा सीधा मतलब ये था कि हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करा। इसके चारों ओर, इस कैथोड रे, ये जो कैथोड रे है, इसके चारों ओर हमने क्या उत्पन्न किया? इसके चारों ओर हमने उत्पन्न किया इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न किया जाता है कैथोड रे पर, तो क्या परिणाम होता है, क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि जो कैथोड किरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपने पथ से विचलित होकर ऊपर की ओर विचलित हो जाते हैं। किसकी तरफ? ऊपर की ओर विचलित हो जाते हैं। देख रहे हो आप, अभी बी पॉइंट इधर था और ए पॉइंट कहाँ? ऊपर की तरफ चला गया है, यानी ऊपर की तरफ ही तो गया। अगर ऐसे जा रही है तो इसके ऊपर की तरफ विचलित हो गया। तो यहाँ पर हमारे को समझ में आ रहा है, आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स के लिए आप ऐसे ही बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आप ये प्रयोग रखेंगे, ऐसा कैसा चित्र बनाएंगे, और लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि विद्युत क्षेत्र कैसे प्रभाव डालता है इलेक्ट्रॉन पर। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान बढ़ाएंगे, जब आप किसी कैथोड रे पर क्या करते हैं, क्या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो कैथोड रे में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका आवेश अपन बढ़ाएंगे तो विचलन कैसा होगा? अधिक होगा। अगर आवेश बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का तो विचलन बढ़ेगा। आवेश का मतलब उस पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है ना, ऋण आवेश है। अब अगर अगर हम ऋण आवेश को अधिक बढ़ाएंगे, ऋण आवेश को क्या बढ़ाएंगे? अधिक बढ़ाएंगे, तो विचलन कैसा होगा? अधिक होगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा ये, है ना। और अगर मुझे चाहिए कि नहीं, ऊपर की तरफ नहीं करना, मुझे इसको यहां पर नीचे की तरफ लाना है और नीचे की तरफ लाना है, तो मैं क्या करूंगा? आवेश का मान घटा दूंगा। आवेश का मान क्या करूंगा? घटा दूंगा। आवेश का मान जैसे ही मैं घटाऊंगा, वैसे ही क्या होगा? विचलन का मान भी घट जाएगा। विचलन ऊपर से जहां ऊपर जा रहा था वहां क्या आएगा? नीचे जाएगा। क्या जाएगा? नीचे आएगा। तो इस प्रकार से अपन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब आप समझिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जैसे ही आरोपित होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, कभी सोचा है क्यों ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? दिमाग लगाया, नीचे की तरफ क्यों नहीं गया? इसको मिटाता हूँ। ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है, सोचा? चलिए बताता हूं आपको। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं, तो यहां से ये जो नेगेटिव सिरे से क्या इलेक्ट्रॉन जाना है प्रारंभ हो जाते हैं। किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन सिरे से, ये जो ये वाला सिरा है, नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना शुरू कर देते हैं? ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, धनात्मक सिरे की। और यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर भी कैथोड रे किन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो ये ऋण आवेश ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये जो ऋण आवेश है ऊपर की तरफ गति करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ कौन है? धनात्मक सिरा है। ऊपर की तरफ कौन है? धनात्मक सिरा है। इसलिए ये ऊपर की तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। अगर इस पूरी कहानी को उल्टा कर दिया जाए, मान लीजिए ये ऋणात्मक को ऊपर और धनात्मक को नीचे कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल कहानी उल्टी हो जाएगी। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ गति करेंगे? नीचे। अगर नीचे क्या होगा? प्लस का होगा। बातें क्लियर? तो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए एक बात जो मैंने लिख रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या, कौन विद्युत क्षेत्र जो होता है, अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने आवेश का मान बढ़ाया, आवेश का मान क्या करा मैंने? बढ़ाया। तो आवेश का मान जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो विचलन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। विचलन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर मेरे को विचलन कम करना है तो मुझे आवेश का मान कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है, समझ में आई। ये दूसरा स्टेप इन्होंने करा, क्या लगाया? इन्होंने अन्य इलेक्ट्रोड लगाए कैथोड किरणों पर, और वहां उन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा। और विद्युत क्षेत्र का प्रभाव किस पर देखा? कैथोड किरणों पर। और इन्होंने जाना कि जब जैसे ही मैंने कैथोड किरणों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, जैसे ही मैंने कैथोड किरणों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करा, तो क्या देखा मैंने? कि जो कैथोड किरणों ने, जो कैथोड किरणें थी वो सीधे जा रही थी, अब वो क्या हो गई? विचलित हो गई। और विचलित होकर
वो धनात्मक भाग एनोड की तरफ गति करने लग गए, यानी ऊपर की तरफ जाने लगे। किसकी तरफ? ऊपर की तरफ जाने लगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, तीसरा जो प्रयोग था इन्होंने क्या करा, बिल्कुल सिंपल वही स्थिति ले ली, वापिस से वो पहली वाली स्थिति ले ली, कुछ भी नहीं हो रहा, दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों को जोड़ रखा है अभी और अपनी कैथोड किरण जा रही है और सक्रिय है, यानी ऑन है, कैथोड किरणें निकल रही है। अब इन्होंने क्या करा साहब ने, जेजे थॉमसन ने पहले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए, उनको विद्युत स्रोत से जोड़ा और ऑन करा और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अब ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और जानना चाहते हैं कि जब मैं कैथोड किरणों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता हूं, चुंबकीय क्षेत्र लागू करता हूं, तो वो देखना चाहते थे कि क्या परिणाम मिलते हैं। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा। ये ले लीजिए चुंबक लगा दी, दो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दो चुंबक लगा दी और ये कैथोड किरणें जा रही है। और जैसे ही सक्रिय करा इसको, जैसे ही नॉर्थ और साउथ को क्या करा, ऑन करा, तो क्या हुआ, कैथोड किरणें विचलित हुई और विचलित होकर कहां निकल गई, नीचे की ओर निकल गई। देखा आपने ये कहां निकल गई, नीचे की ओर निकल गई। क्यों हुआ ऐसा, कभी सोचा है? विद्युत क्षेत्र में आपको बताना चाहूंगा, विद्युत क्षेत्र कार्य करता है कण के आवेश पर। विद्युत क्षेत्र आप यदि कहीं भी लगाते हैं तो अगर कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल पे काम करता है कौन, पार्टिकल के चार्ज पर। ध्यान से समझना, जो विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है चार्ज पर। किस पर काम करता है, चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर काम करता है या पॉजिटिव चार्ज पर काम करता है। अगर आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा। अगर चार्ज का मान ज्यादा है, अगर पार्टिकल पे यानी कोई कण है अपने पास, कण पर जो ऋण है, ऋण आवेश उसकी मात्रा ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। यानी जो जैसे ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा है तो वो धनात्मक भाग की ओर आकर्षित होगा, जैसे अपन ने पीछे देखा। और अगर धनात्मक भाग ज्यादा है उस पार्टिकल में तो किसके ओर आकर्षित होगा, वो किसके ओर आकर्षित होगा, ऋणात्मक भाग की ओर आकर्षित होगा। ये थी विद्युत क्षेत्र की कहानी। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किस पर काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र काम करता है द्रव्यमान पर। चुंबकीय क्षेत्र द्रव्यमान पर काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र साहब किस पर काम करता है, द्रव्यमान पर। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना अधिक होगा विचलन उतना कम होगा। अर्थात अगर हम जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे तो जैसे ही उस पर चुंबकीय क्षेत्र लागू होगा वो नीचे की ओर डंप करेगा, यानी विचलन कहां होगा उसका, नीचे होगा। कैसा होगा, नीचे होगा। और नीचे होगा, अगर ऊपर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मान घटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन का मान घटाएंगे वैसे वैसे ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा। ठीक है, ये करा इन्होंने, ये इन्होंने तीन प्रयोग करे। सबसे पहले कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करा, ना विद्युत क्षेत्र ना चुंबकीय क्षेत्र, उसमें देखा तो बिल्कुल सीधा गया है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करा, कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करा, और जब कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं करा तब सीधे आ गया बिल्कुल, है ना। और जब क्षेत्र उत्पन्न किया, जब क्षेत्र उत्पन्न किया, जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा तो वो ऊपर की तरफ आ गया, है ना। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा तो वो नीचे की तरफ आ गया। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके विषय में, थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आपको चित्र बनाना है तो क्या किसके नाम है वो बता देता हूँ। देखिए ये जो है आपको बनाना है, ये जो चित्र है वो आपको बनाना है। अभी जो चित्र है इसको ध्यान से देखिए, ये जो भाग है वो था कैथोड, ये जो भाग था वो था एनोड, ये भाग था ये, और ये थे चुंबक। क्या थे, चुंबक। ये जो है पट्टी, ये क्या, स्फूर्ण दीप्त पर्दा। क्या है, स्फूर्ण दीप्त पर्दा। ये आपको चीजें समझ में आने की, ये था क्या, अपने इलेक्ट्रोड, अन्य इलेक्ट्रोड थे भाई साहब। क्या थे भाई, अन्य इलेक्ट्रोड थे। ये समझने की बातें हैं, आपको समझनी है, ठीक है। अब क्या, जब कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं था, जब कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं था, ना विद्युत क्षेत्र ना चुंबकीय क्षेत्र, तब स्थिति ये थी। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा तो स्थिति ये हुई, और जब अपन ने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया
तो स्थिति ये हुई। तो आप समझ रहे हैं ये स्थितियां बनी। लेकिन अब जेजे थॉमसन ने बोला, अगर मैं क्या करूं, दोनों क्षेत्रों को लगा के रखूं, दोनों क्षेत्र आरोपित हों, विद्युत क्षेत्र भी आरोपित हो और चुंबकीय क्षेत्र भी आरोपित हो, किस पर? कैथोड किरण पर। कैथोड किरण पर विद्युत क्षेत्र भी लागू हो और चुंबकीय क्षेत्र भी लागू हो, और मैं वो परिस्थिति लाना चाहता हूं। कौन सी परिस्थिति? जो इन दोनों के बगैर थी। मतलब वो स्थिति लाना चाहते हैं ये, जब ना तो विद्युत क्षेत्र था और ना चुंबकीय क्षेत्र था। वो स्थिति लाना चाहते हैं तब जब विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है। वापिस से सुन लेंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, आराम से सुनिए क्या कह रहे हैं जे जे थॉमसन। ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि जब मैंने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया था, तब स्थिति थी बिल्कुल सीधी, है ना। तब स्थिति कैसी थी? ये थी। और जब मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो स्थिति ये थी, और जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तब स्थिति ये थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं ये कैथोड रे पर मैं दोनों क्षेत्र लगाऊंगा, विद्युत क्षेत्र भी लगाऊंगा और चुंबकीय क्षेत्र भी लगाऊंगा, और मेरे को परिस्थिति चाहिए वही वाली, पहले वाली बैलेंसिंग वाली परिस्थिति चाहिए, यानी संतुलित परिस्थिति चाहिए। तब वो क्या करेंगे? अभी जैसे मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, जब भी अगर आपको विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं और विचलन को अगर बढ़ाना और घटाना है आपको, यानी ऊपर, ये जो जैसे ऊपर हो रहा है, अगर और ऊपर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड रे के, जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो मान, आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है, उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर की तरफ चला जाएगा, मान लो ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, लेकिन संतुलित करने के लिए तो अपन को नीचे लाना पड़ेगा। तो जे जे थॉमसन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश घटाया, जो कैथोड रे में उपस्थित सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन थे उन पर आवेश का जो मान था वो घटाते गए घटाते गए घटाते गए, और इसको एडजस्ट करते 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 वो इधर लिया है। कहां तक लिया है? ध्यान से समझेंगे बातों को, ज्यादा कठिन नहीं है, अगर समझते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको साफ सुथरा कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, एडजस्ट करते 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 इसको कहाँ लिया है? ये बी पॉइंट तक लिया है, ठीक है। चलिए, ये बी पॉइंट तक लिया। अब बात थी चुंबकीय क्षेत्र की, अभी क्लियर हो गया ना। फिर वहीं स्टॉप कर दिया, वहीं रोक दिया, किसको? विद्युत क्षेत्र को वहीं रोक दिया जब ये यहाँ पर लिया। अब क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र की बारी है। अब चुंबकीय क्षेत्र में इन्होंने क्या करा, हमने पढ़ा था अगर चुंबकीय क्षेत्र में विचलन बढ़ाना या घटाना है किसी कण का, कैथोड किरणों पर अगर चुंबकीय क्षेत्र हम आरोपित करते हैं, तो विचलन अगर हमारे को बढ़ाना है घटाना है तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर। अगर आप जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ाएंगे, विचलन उतना कम होगा, अर्थात ये नीचे जाता रहेगा। अगर आप जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो उतना ही क्या होगा, विचलन बढ़ेगा, है ना। मतलब क्या है, परिस्थितियां उल्टी हैं। एक तरफ बढ़ता है तो दूसरी तरफ घटता है, एक तरफ घटता है तो दूसरी तरफ बढ़ता है। तो यहां पर कौन सी स्थिति लगाऊं मैं, द्रव्यमान कम करूं या ज्यादा करूं? मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाके विचलन ऊपर की तरफ बढ़ेगा और स्थिति यहां तक आएगी। तो ये करने के बाद उन्होंने क्या करा, संतुलन स्थिति लाने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। और भाग के लिए उन्होंने क्या करा, E अपॉन एम का सूत्र लगाया, E अपॉन एम की वैल्यू ज्ञात करी, और ये ज्ञात करा उन्होंने इनको सेपरेटली, नहीं, क्या नहीं, सेपरेटली ज्ञात नहीं कर पाए इलेक्ट्रॉन की क्या है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, ये ज्ञात नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने इसका अनुपात ज्ञात कर लिया, और अनुपात क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, अनुपात किसका, अनुपात आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, वो आपको चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा है कि इस अनुपात से आप कैथोड रे को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में संतुलित कर सकते हैं कैथोड किरणों को। कैथोड किरणों को आप विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में संतुलित कर सकते हैं, किस आंकड़े पर, जब अनुपात क्या हो, ये हो, क्या अनुपात हो, E अपॉन एम, क्या अनुपात है, आंकड़े तो बता दो सर, स्टार्टिंग से आप घुमाते चल रहे। अरे हो, एक बार भी नहीं बताया आपने हमारे को कि ये जे जे थॉमसन ने क्या वैल्यू
इसकी फाइंड करी। तो उन्होंने जो फाइंड करा वो क्या था, मैं आपको बता देता, वो फाइंड करा उन्होंने ये वैल्यू, क्या थी वो वैल्यू, 1.76 गुणा 10^-8 कूलोम पर ग्राम। कूलोम इलेक्ट्रॉन पर, यानी आवेश जो होता है उसका क्या होता है, मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश, आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है सी, और ग्राम को तो सबको पता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताएंगे सारे बच्चे, ग्राम। क्या होता है, ग्राम। तो उन्होंने ये वैल्यू फाइंड करी, 1.76 गुणा 10^-8 कूलोम पर ग्राम। किलोग्राम में करोगे तो वहां पर 2 जीरो कट जाएंगे, है ना, 3 जीरो कट जाएंगे, फिर वो जो मान आएगा वो 10^-5 है। तो इसे आप कर सकते हो कन्वर्ट, लेकिन ये जो एज इट इज मान था ये, अब जब आप अनुपात इनका 1.76 गुणा 10^-8 रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है साफ, ये देखिए है ना, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यहाँ m द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो ये संतुलन की स्थिति के लिए इन्होंने सिर्फ ये बता दिया था कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में क्या करना है, क्या करना है, अगर कैथोड रे को संतुलित रखना है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करवाना है, तो अनुपात उसके लिए कितना चाहिए होगा, इतना होगा। लेकिन इन्होंने सेपरेटली नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होना चाहिए संतुलित के लिए, ठीक है, ये नहीं बताया। अब ये जो 3 पॉइंट है मैंने आपको समझा चुका हूं, वैसे ही समझा चुका हूं, बस इसको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। क्या है कि कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अनुनय क्रिया बढ़ जाती है, इस प्रकार विचलन अधिक होता है। हुआ था ना विचलन अधिक, कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर, ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अनोन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन की क्रिया होती है और बढ़ जाती है, इस प्रकार विचलन अधिक होता है। विचलन अधिक हुआ तभी तो ए पॉइंट पर आया, विचलन अधिक हुआ तभी तो ए पॉइंट पर आया, तो ये कहाँ गया, ए पॉइंट पर आ गया। फिर दूसरा कह रहा है कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान के विषय में है, तो कण के हल्का होने से विचलन अधिक होता है। जितना कण का मान हल्का होगा उतना विचलन क्या होगा, अधिक होगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, और जितना कण का मान भारी होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर आएगा, कहाँ होगा, नीचे की ओर आएगा। ऐसा ही तो हुआ था, कण भारी था इस समय तो क्या आ गया, नीचे आ गया। तो जे.जे. थॉमसन ने इसको क्या करा, कण का जो मान था उसको बड़ा घटाया और उसको आगे ऊपर नीचे करा, ठीक है, तो ये संतुलित हो पाया। तो यहाँ पर लिख रखा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, इलेक्ट्रॉनों पर वोल्टता तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है, मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। अगर विद्युत क्षेत्र को, वही है विद्युत क्षेत्र की, अगर आप क्या करेंगे वोल्टता को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, वोल्टता को बढ़ाएंगे, यानी विद्युत क्षेत्र ज्यादा अप्लाई करेंगे तो विचलन बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, विचलन बढ़ जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र में भी यही है स्थिति है। तो आपको समझ में आया होगा आशा करता हूं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो जे.जे. थॉमसन से प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का सेपरेटली आवेश बताइए और इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का सेपरेटली द्रव्यमान बताइए, लेकिन ये सेपरेटली तो नहीं बता पाए, लेकिन इन दोनों का अनुपात इन्होंने बता दिया, इन दोनों का संबंध बताया अनुपात के रूप में, इन दोनों का अनुपात लिया और बताया कि अनुपात के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि इसको संतुलित कर सकते हैं, इसको कैथोड किरण को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।